मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य सुमेर शास्त्री, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको खतनाक से खतनाक वशीकरण प्रयोग बताने जा रहा हूँ। अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे नाराज हो गई है, आपको इग्नोर करती है, या पुराना आपका संबंध था, प्रेम संबंध चलता था और अचानक कोई थर्ड व्यक्ति आपके दोनों के लाइफ में आ गया है और आपका प्रेम भंग करवा दिया, या फिर कोई ब्लैक मैजिक करके आप दोनों को अलग कर दिया है, तो ऐसे धोखेबाज प्रेमी या प्रेमिका को पुनः अपने लाइफ में कैसे लाना है, वो आज आपको तांत्रिक प्रयोग कपूर से तांत्रिक प्रयोग कैसे होता है, कपूर से खोया हुआ प्यार कैसे मिलता है, वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे अनेक वीडियो आते हैं जो सत्य होते हैं और तुरंत इसका रिजल्ट मिलता है। तो आपको ऐसा एक तांत्रिक हवन जागृत बनाए और इसमें तांत्रिक सामग्री पूजा पाठ की होती हो उसमें डाल के और इसको अग्नि ज्वलित करना पड़ता है, और उसके बाद में सिर्फ एक कपूर की बोटी लेना है, एक कपूर का पीस लेना है, इसके ऊपर कुमकुम से धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका का नाम लेके कुमकुम से एक बिंदिया कर दीजिए और एक तांत्रिक मंत्र बोल दीजिए, ये अंगुली इसके ऊपर रखी, क्लीम क्लीम वश्यामी क्लूम क्लूम महाकाली चामुंडी शक्तिया हाजरम मम कार्य सप्लानी कुआ कुआ स्वा आजीवन वश्यामी कुरु कुरु भट, यह मंत्र बोल के इसके ऊपर धोखेबाज प्रेमी या प्रेमिका का 7 बार नाम लेना है और 2 फूंक मारना है। आप इसको तांत्रिक हवन ज्वलित है इसमें जला दो, इसको इसमें जला दो। जलाने के बाद में गाय के शुद्ध घी की 2 आवती दे दो तांत्रिक मंत्र बोल के, क्लीम क्लीम आजीवन वश्यामी कुरु कुरु स्वाहा, शुद्ध गाय के घी से 2 आवती दे दो, क्लीम क्लीम वश्यामी आजीवन वश्यामी कुरु कुरु स्वाहा। अब धोखेबाज प्रेमी या प्रेमिका का 7 बार नाम ले लीजिए, उसको स्मरण कीजिए, ये हाथ दिल पे रखे उसको याद करो 7 बार नाम लेके कि आप कितने प्रेम करते थे, पहले प्रेम चलता था, बहुत लागड़ी रुचि रखते थे, ऐसे उसको याद करो। याद करने के बाद में ये हाथ अग्नि के ऊपर 7 बार घुमा लो, 7 बार घुमाने के ऊपर फिर आप धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका का नाम लेके 7 फूंक मार दो। इतना ये प्रयोग कर दो, मैं दावे के साथ कहता हूँ 7 घंटे के अंदर अंदर धोखेबाज प्रेमी या प्रेमिका का फोन आएगा, गलती मांगेगी, माफी मांगेगी। अगर उसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, नफरत हो जाएगा और वहां से छूटा हो जाएगा, आजीवन तुम्हारे लाइफ में आ जाएगी, कभी भी इग्नोर नहीं करेगी, ये मेरा दावा है।